टाइटेनिक का लिखा है हम माई हर्ट विल गो ऑन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये सॉन्ग जो है टाइटेनिक का वो किस तरह से बजाया जाए। सा 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 नी सा
every night in my dreams I see you, I feel you. Every night in my dream I see you, I feel you. ये हम यहां तक बजाएंगे. इसके बाद में जो वर्डिंग्स है, दैट इज हाउ आई नो यू गो ऑन, यू गो ऑन. फिर इसको हम जो हैवर्स लेंगे, यानी फिंगर्स को जो है दबा के एकदम जो है मीड का प्रयोग करेंगे. जितना अच्छा मीड का प्रयोग करेंगे उतना अच्छा आपका गाना आएगा. इसी को आप एक बार और रिपीट करेंगे. बस डिफरेंस ये है कि जहां से आपने यहां पर स्टार्टिंग में सज स्टार्ट किया था, इसमें ध ध का एक प्रयोग करते हुए, म्यूजिक का प्रयोग करते हुए आप ध से स्टार्ट करेंगे दूसरे सुनिए. इसके बाद में मतलब सुर को ऊपर से एकदम नीचे गिराना है पंचम को, स से पंचम, बेस बेस पंचम बजना है. तो इसमें क्या करेंगे, ध स स स नी स स प, यू कम टू शो यू गो ऑन, गो गो स प. ये बजना लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल है. ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा. अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा जो है जो सुर आप पहले आप लगा रहे हैं उसी में थोड़े से सुर को एडिशन करना है. जैसे एक एक सुर को परफेक्ट बजाते हुए सारे जो है आपका या धैवत है या पंचम उसको बजाते हुए आप करेंगे तो सेकंड पार्ट भी हो जाएगा. सेकंड पार्ट आप देखें,
आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट जो आपका है उसमें है ध स ध स, देखिए या तो ध है तेज फूक के उसको हम दूसरे स्केल मतलब एक ही दूसरे ऑक्टेव में उसको ले जाएंगे, मतलब हाई ऑक्टेव में, मिडिल ऑक्टेव में, लोअर से मिडिल ऑक्टेव में। तो ये देखिए किस तरह से है, ooh।
देखें मेरे फिंगर्स को देखें और जो है इसको बजाने की कोशिश करें।